नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में बनने वाले एक्सप्रेसवे के बारे में। बिहार में सड़कों का जाल बिछने वाली है। बता दें कि बिहार में लगातार 4 एक्सप्रेसवे तैयार होने वाला है। बता दें कि इसके साथ साथ 11 नेशनल हाईवे के नए रोड पर काम जारी है। इसके साथ साथ बिहार में बुलेट ट्रेन की परियोजना पर भी सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। इन सब के बीच में बिहारवासियों के लिए केंद्र सरकार ने एक और शानदार प्रोजेक्ट की स्वीकृति दे दी है। इन परियोजनाओं के बन जाने के बाद बिहार के विभिन्न जिलों के विकास का रास्ता खुल जाएगा। वहीं एक जिले से दूसरे जिले के बीच में आवागमन का रास्ता भी साफ हो जाएगा। बिहार से उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन का रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बक्सर से मोहनिया के रास्ते बनारस की दूरी बहुत ही कम हो जाएगी और यात्रा भी सुगम हो जाएगा। बिहार में सड़कों की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने वर्तमान वित्तीय साल में बक्सर मोहनिया नेशनल हाईवे सड़क को मंजूरी दे दी है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो गया है। बता दें कि इस हाईवे को भू अर्जन विभाग ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भूमि की कागजात सत्यापित करने को लिए जो है वो सौंपा गया है। केंद्र सरकार से मिली मंजूरी के बाद विभाग अब टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने में जुटा हुआ है। सबसे खास बात यह है कि सड़क निर्माण का कार्य इसी वित्तीय साल में आरंभ करने का लक्ष्य भी रखा गया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो इस नेशनल हाईवे में 5 नए पुल का भी निर्माण होना है। इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले 5 पुल 5 नदियों के ऊपर होंगे। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बात यही है कि जिन नदियों पर इस पुल का निर्माण होना है वह नदियाँ बड़ी है, इसी कारण 5 नदियों पर पुलियों का भी निर्माण किया जाएगा। ये नदियां हैं पनसेवरा और अंकोढ़ी दुर्गावती नदी, नुआव में स्थित पंजराव धर्मावती नदी, चौसा में गोरिया और बक्सर में एक नदी पर पुल का निर्माण किया जाना है। बताया गया है कि इन नदियों पर 10 मीटर चौड़े पुल बनाए जाने हैं। साथ ही कई छोटी छोटी पुलियों का भी निर्माण किया जाएगा। इस पुल के निर्माण में लगे अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे पर लगभग 427 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जानी है। साथ साथ यह भी कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण में जमीन मालिकों को सर्कुलर रेट से 3 गुना अधिक वैल्यू दिए जाने का प्रावधान किया गया है। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन रामगढ़, गोडसरा और बंदीपुर, इन मौजों में जमीन का अधिग्रहण होना है जहां पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि यहां से सभी मकान मालिक यानी कि जो मकान बना हुआ है वो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन कुछ मकान इस प्रोजेक्ट वाले क्षेत्र में आ सकते हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि उन लोगों को नोटिस भेजा जा सकता है। तो एक तरह से कहें बिहार में सड़कों का जाल बिछने वाला है, क्योंकि कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो बिहार में अभी लंबित है, आनी है, कई पर काम चल रहा है, कई की स्वीकृति हुई है। तो ऐसे में बिहार सरकार लगातार ये कहती रही है कि अगर आप राजधानी पटना से बिहार के किसी भी जिले में आना जाना चाहते हैं तो आप 5 घंटे के सफ़र में जो है आप राजधानी आ सकते हैं और अपना काम कराकर एक ही दिन में अपने घर जा सकते हैं। बिहार सरकार इस योजना के तहत जो है फिलहाल काम कर रही है। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में 11 नेशनल हाईवे पे काम चल रहा है। कई ऐसे तरह से कह लें कि गांव से कनेक्टिविटी को लेकर जो हाईवेज बन रहे हैं उस पे काम चल रहा है। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।